हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके टेक्निकल पर। और आज हम देखेंगे कि एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। ये 20 एम्पियर सॉकेट है, सीनी के साथ में सीनी का बना हुआ है। और ये 6 एम्पियर स्विच है इस सॉकेट के साथ में। और ये 20 एम्पियर स्विच के साथ में लगाना है हमें। और ये 6 मॉड्यूलर बॉक्स है, इसमें फिट करना है हमको इस तरीके से। एक साइड में ये वाला सॉकेट लगाते हैं। और इस साइड में ये वाला सॉकेट, एम्पियर वाला, इस तरीके से फिट करते हैं। बीच में स्विच लगाते हैं। इस तरीके से लग गए हैं। अब इनकी वायरिंग करनी है हमको। ये न्यूट्रल का वायर है, ये सॉकेट में डायरेक्ट लगता है न्यूट्रल वाले साइड में, लेफ्ट साइड। इस तरीके से लगाते हैं। और एक वायर और आएगा, वो दोनों साथ में लग जाएंगे इधर। ये सॉकेट में राइट साइड में लगाते हैं, स्विच से लगने वाला वायर है। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगाते हैं। ये इसमें लगेगा, ये दोनों स्विचों से दोनों सॉकेट में लग गए वायर। और हमें फेज और न्यूट्रल दो वायर और कनेक्ट करने हैं।
ये यहाँ पे लगा हुआ है बॉक्स, और दोनों वायर यहीं पे आ रहे हैं, 2.5 mm के वायर हैं ये। पहले हम इस वायर को, दोनों न्यूट्रल वायर को जॉइंट करके डायरेक्ट सर्किट में लगा देते हैं। तरीके से फिट कर देते हैं इसको। इस वायर को नाप के वायर निकाल लेते हैं इसका। ये अब दोनों स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल में लगाना है हमें। इसे पावर सॉकेट भी बोलते हैं। इस तरीके से कंप्लीट हो गई है वायरिंग। और इस बॉक्स में लगा लेते हैं हम। इस तरीके से फिट कर देते हैं इसको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तरीके से ये पूरा फिट हो गया है।